हाल ही में कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में चल रहा था और इसी को लेकर के अब जब ये चिंतन शिविर खत्म हो गया है तो सभी एक 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 मंत्री भाजपा की पार्टी के ऊपर लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ये दोनों भाजपा पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं, तो वहीं आप सभी को बता दूं कि इनका कहना है कि बीजेपी अभी धर्म की राजनीति कर रही है, ना कि वह महंगाई के मुद्दों के ऊपर ध्यान दे रही है, और अगर महंगाई के मुद्दे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश आने वाले समय में काफी परेशान होता हुआ नजर आएगा। हाल फिलहाल इसमें क्या अपडेट सामने आई है, क्या कुछ उनका कहना है, सीधा रूबरू कराते हैं हमारी रिपोर्ट से। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता करके जानकारी साझा करी है और खाचरियावास ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देना होगा, साथ ही बजट घोषणाएं लागू करने पर सरकार का जोर है। और खाचरियावास ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून गरीब के आंसू पोंछने वाला बिल है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को 8 बार पत्र लिखा है, गरीब की भूख मिटाने वाला कानून NFSA पर बीजेपी राजनीति भी करती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को NFSA का लाभ दिया। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी भाजपा सत्ता में आती है हिंदू खतरे में आ जाता है। भाजपा आज बंटवारे की राजनीति कर रही है, वह लोगों की रोटी छीनने का काम कर रही है। और अभी भाजपा के नेता JP नड्डा आए थे, उन्होंने कहा हमने वैक्सीनेशन फ्री किया जबकि वैक्सीनेशन तो शुरू से फ्री है। वहीं विधायक गणेश गोगरा की स्थिति को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि गणेश गोगरा हमारे परिवार के सदस्य हैं, अगर कोई बात को लेकर के नाराजगी है तो हम उनसे बातचीत कर नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर आरोप की झड़ी लगाई। ममता ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर देश भर में राजनीति कर रही है और देश में महंगाई बेकाबू है, लेकिन बीजेपी के नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में यदि गणेश गोगरावा बाद में पहुंचते हैं और पहुंचकर और उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लेती है, हो सकता है, हुआ नहीं हुआ मुझे पता है, लेकिन मेरा मानना है, और कहीं गणेश गोगरा नाराज हो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम गणेश गोगरा जी से बात करेंगे और आप मानकर चलिए उनका सम्मान रखना, उनकी बात को सुनना। बात को सुनकर एक MLA जनप्रतिनिधि होता है, उसका सम्मान सुरक्षित रखना सरकार की और हम सबकी जिम्मेदारी है।